तो गाइज अगर आपके गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो बैलेंस है अगर आप उसे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा वॉच करो, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। एंड गाइज लाइव में मैं आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर का जो बैलेंस है भाई उसको ट्रांसफर करने वाला हूं अमेजोन के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर। तो गाइज सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको स्टैंड एप्लीकेशंस की लिंक दे दूंगा, वहां से इंस्टॉल कर लेना। और हां स्टैंड एप्लीकेशंस के अंदर अलग से आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, मतलब वीडियो को छोड़ के नहीं जाना भाई, आपको काफी ज्यादा अमेजिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रिक्स बताऊंगा एंड आपको और भी ऑप्शन इसके अंदर खुद के अंदर है, ठीक है, मतलब स्टैंड ऐप के अंदर। तो वीडियो को पूरा बात करना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से इंस्टॉल कर लेना है एंड उसके बाद में इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, इस एप्लीकेशन को सिर्फ मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करना है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार ये 8 बजता है ना भाई, सही में यार 8 बजे भाई मेरा नोटिफिकेशन आता है, बहुत दिमाग खराब करता है, ठीक है। अब मैंने ये कोई सेटअप नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया, तो चलो छोड़ो, ठीक है। मतलब अगर आप लोग ईमेल से, अगर ईमेल अकाउंट से, मतलब अगर आप लोग ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करते ना तो आपसे मोबाइल नंबर ये बाद में मांगेगा। अगर आप लोग मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं तो आपका ईमेल एड्रेस नहीं मांगता, तो इससे अच्छा आप लोग मोबाइल नंबर से ही साइन अप कर लो, ईमेल इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो बैलेंस होता है उसको मतलब ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, एंड सबसे पहले स्टोर वाले ऑप्शन पे जाना है, और जैसे आप स्टोर पे आएंगे तो हमें कूपन्स एंड मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद में गाइस यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि अभी मेरे गूगल प्ले स्टोर के अंदर जो बैलेंस है वो अमाउंट कितना है, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने खुद से देखो ऐड किया, कुछ मेरा अमाउंट था और मैंने कुछ ऐड किया, तो इसके अंदर मेरे 52 रुपीज़ हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कट और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या भाई बीच में थोड़ा सा कट लग गया, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अमेजोन हो गया, यहाँ पर कोई वेस्ट साइड हो गया, मतलब जो भी यहाँ पर आपको साइड दिख रही है देखो, फ्लिपकार्ट हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, अमेजोन शॉपिंग हो गया, ठीक है, और भी यहाँ पर मिंत्रा जैसी जो साइट्स हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ तो ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ, मतलब अभी की जो मुझे कन्फर्म है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अंदर तो कन्फर्म ट्रांसफर हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि यहाँ पर जो अमेजोन पे है एक ये है, और थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है अमेजोन शॉपिंग, ठीक है, और ये मतलब ये वाले हैं ना कभी कभी फीचर्स यहाँ से हट जाते हैं, तो आपको वेट करना है एप्लीकेशंस के अंदर, छोड़ के नहीं जाना, आपको बेनिफिट दिखाने वाला हूँ मैं, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग स्किप करके चले जाओ, क्योंकि इसके अंदर अलग भी बेनिफिट है, अगर आप ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो बाकी के जो बेनिफिट है उनको जरूर से यूज करना, ठीक है। तो देखो अमेजोन पे वो बैलेंस होता है जिससे हम लोग कुछ भी परचेज कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहे कोई गिफ्ट कार्ड परचेज करें या फिर रिचार्ज विचार्ज कहीं भी कुछ भी करें, वो बैलेंस होता है अमेजोन के अंदर, जो अमेजोन पे वैलेट के अंदर ज़्यादा है। और अमेजोन शॉपिंग जो वाला अमाउंट है इससे हम सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं, अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप शॉपिंग के लिए चाहे आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं मतलब अमेजोन के ऊपर, तो ऑर्डर्स में जो आप ऑर्डर करेंगे ना, जो भी आपके मतलब आपके होम डिलीवरी जो भी हो गई, ठीक है, मतलब तो मतलब जो भी वो लेके आएगा ना, बस उसमें यहाँ पर अमेजोन का जो शॉपिंग बैलेंस है वो यूज होता है। और यहाँ पर जो है अमेजोन पे इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, आप गिफ्ट कार्ड खरीदें या फिर रिचार्ज करें या फिर कुछ भी करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये वो यूज हो जाता है। तो मैं अभी तो करने वाला हूँ यहाँ पर अमेजोन पे के अंदर, ठीक है, तो क्योंकि मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बट गाइज इसके अंदर चार्ज बहुत लगता, अब चार्ज तो देखो आपको देना पड़ेगा, आप सबको पता है कि गूगल का जो भी अमाउंट है उसको ट्रांसफर करने के लिए चार्ज तो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 989 रुपये का यहाँ पर एक पैक है, और वहाँ पर 494 रुपये का, 98 रुपये और 34 रुपये का, ठीक है। 34 वाले के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, 54 यहाँ पर 34 क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को भाई यहाँ पर 49 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप लोग यहाँ पर 35 रुपीज़ का यहाँ पर गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं। देखो 1 रुपये का डिस्काउंट है आपको, इसलिए दिखा रहा है, आपसे पेमेंट 1 रुपये कम करवाएगा। अगर आप 35 रुपीज़ का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड लेंगे तो आपको यहाँ पर 49 रुपीज़ देने पड़ेंगे। चलो मैं दे देता हूँ कि वैसे भी किसी भी काम का बैलेंस नहीं है, इसको सेलेक्ट किया और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अभी ये देखने वाली बात है कि भाई अमाउंट आता कितनी देर में, ठीक है, तो मैं यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ, मैं आप लोगों के सामने लाइव में पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ रिकॉर्ड ऑन है और ये कह रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुल, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर कन्फर्म हुआ, अभी क्या होगा आगे पता नहीं, ये कह रहा है पेमेंट प्रोसेसिंग, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। ये कह रहा है कि 5 डेज़ यहाँ पर कह रहा है कि कुछ थोड़ा सा इशू आ चुका है, और ये कह रहा है आपकी जो पेमेंट है प्लीज़ वेट करो, ठीक है, और ये कह रहा है अगर कोई भी यहाँ पर पर्सन मतलब कोई भी यहाँ पर दिक्कत होती है तो 5 डेज़ के अंदर आपके मतलब यहाँ पर कह रहा है 5 डे वर्किंग जो भी वर्किंग 5 डेज़ होते हैं, 5 दिन जो भी वर्किंग है ना उसमें जो आपका अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ यहाँ पर इशू आ चुका है तो आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। ओके गाइस, तो अभी ये जो रिफंड होगा ना ये अमाउंट तो आप दोबारा से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं,
के अंदर ऑप्शन है तो ये वर्क कर जाएगा। मैं व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये कह रहा है कि परचेज, ये कह रहा है प्ले स्टोर से यहाँ पर परचेज हो चुका है, अमाउंट जीरो ये पर दिखा रहा है और इसके ऊपर अभी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर मैं UPI के अंदर जाता हूँ, ये कह रहा है अमेजोन का, मतलब अमेजोन का जो दिखा रहा है इसके ऊपर क्लिक करो और ये कह रहा है कि पेटीएम से नहीं किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिखने वाला है मैंने जो भी पेमेंट किया था, और यहाँ से हमारा जो भाई UPI से पेमेंट तो मैंने नहीं किया, गूगल प्ले स्टोर से किया है। और बाकी यहाँ पर आप लोग लाइव में देख सकते हो, यहाँ पर पहले भी यहाँ पर मैंने जो भी क्लिक किए थे यहाँ पर वो दिखा रहा है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है, मतलब जैसे यहाँ पर अभी देख लेता हूँ कि अभी हमें रिडीम कोड जो है वो कहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो हाँ गाइज यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि अमेजोन का जो गिफ्ट कार्ड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये कह रहा है कि यहाँ पर 96 आवर्स के अंदर, मतलब गाइज आपको 96 घंटे के अंदर यहाँ पर रिवील हो जाएगा, ये कह रहा है कूपन जो है वो रिवील हो जाएगा यहाँ पर आपने जो परचेज किया। और यहाँ पर 34 रुपये का ही अमेजोन का जो गिफ्ट कार्ड है वो दिया है, मतलब वहाँ पर 1 रुपये कट कर दिया, तो मैं समझा डिस्काउंट है, बट डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है जो ये टाइम चल रहा है ना, इस टाइम को यहाँ पर कह रहा है कि पेंडिंग UPI की ट्रांजेक्शन भी पेंडिंग दिखा रहा है, बट हमने गूगल प्ले स्टोर से किया है और अगर आप सपोर्ट टीम से बात करना चाहते हैं तो कर लेना। बट गाइज यहाँ पर कूपन जो है, देखो अगर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, मतलब अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका मतलब भाई मुझे ये रिडीम कोड मिल गया, और अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करूँगा। तो अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब भाई मुझे कोड मिल चुका है। ठीक है, और मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो डेट हो रहा है, तो अब ऊपर से यहाँ पर कैसा रिसिप्ट आया। ठीक है, इसका मतलब गूगल प्ले स्टोर का जो रिसिप्ट है वो हमें मिला है, और मैं 30 जनवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो यहाँ पर 96 घंटे के अंदर ही मुझे मिल जाना चाहिए, जैसे अगर जल्दी मिल जाएगा तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, मतलब यहाँ पर 31 तारीख को अपलोड कर दूंगा, बाकी जब तक ये मुझे कोड नहीं मिलता मैं अपलोड नहीं करूँगा और स्क्रीनशॉट चिपका के मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो ये तो था गाइस यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अमेजोन के जो बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसके अंदर एक बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अगर आप फ्लिपकार्ट के अंदर, देखो मैं फ्लिपकार्ट के अंदर भी चेक करके दिखा देता हूँ फ्लिपकार्ट के अंदर यहाँ पर होता है या फिर नहीं होता, तो मैं यहाँ पर 98 को कहता हूँ, तो हाँ गाइज यहाँ पर 100 रुपीज़ का होता है लेकिन यहाँ पर 140 रुपये ले रहे हैं, 10 रुपये ये फीस ले रहे हैं, 30% गूगल के अमाउंट्स को ट्रांजेक्शन की फीस लगती ही है, 10 रुपये ये ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन करने की, मतलब जो भी आपके पैसा है उसको ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन आप फ्लिपकार्ट का भी यहाँ पर जो गिफ्ट कार्ड है उसे ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूँ, अभी चलते हैं गाइज यहाँ से जो भी मैं बता रहा था वो बेनिफिट क्या होने वाला है। तो देखो यार वो बेनिफिट ये कि स्टैन एप्लीकेशन खुद से भी आपको रिडीम कोड देता है, जो कि आपको इंस्टेंट रिडीम कोड मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको होम के ऊपर आ जाना है, एंड अगर आप रिवार्ड्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आप लोगों को पिज्जा हट, मतलब यहाँ पर डोमिनोज हो गया, अमेजोन शॉपिंग हो गया, मिंत्रा जैसी साइट्स हो गई, गूगल प्ले स्टोर का जो बैलेंस है वो आप यहाँ से खुद से भी बाई कर सकते हैं, मतलब आप लोगों को यहाँ पर जो जेम्स मिलते हैं इन जेम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको होम पे आना है, एंड सबसे पहले बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूँगा, अगर आप किसी को इन्वाइट करते हैं रेफरल पे, ठीक है, तो रेफरल पे आपको जैसे आपका दोस्त अगर नंबर से साइनअप करता है तो 5 रुपीज़ मिलते हैं, बट अगर ईमेल से साइनअप करने पर दोनों लोगों को ये वाले कोइंस मिलते हैं जिनकी भाई ज़्यादा वैल्यू देखो है नहीं, लेकिन आपको सीधा अमाउंट मिलता है, ये मुझे आसान लगता है। और वैसे भी अगर आपसे भाई यहाँ पर नंबर, अगर ईमेल से अगर आपको मांग भी लेगा बाद में भाई, अगर आप रिडीम करेंगे तो आपसे भाई नंबर मांगता ही मांगता है, मतलब बिना नंबर के आप कुछ भी इसके अंदर परचेज नहीं कर सकते, ये इसका रूल्स है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर आप लोग बोलोगे, अब मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इसलिए बोल रहा है कि नंबर से लॉगिन करना कि ये अमाउंट इसको भाई मिल जाए, बट ऐसा नहीं है, आप लोग कोई ट्राई भी करके देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ वही सच है। ठीक है, और यहाँ पर रेफर 23 रुपये मिलता है, मेरे पास अभी यहाँ पर 25 रुपये, तो मैं रिडीम के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फैशन एंड लाइफ स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि आप अगर 50 रुपीज़ अगर आपके पास हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग फ्लिपकार्ट का जो बाउचर है वो ले पाएंगे। और इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपको जो भी कुछ मिलता है वो इंस्टेंट मिलता है, अभी मैंने पीछे दिखाया वो तो चलो कुछ ग्लिच के कारण या फिर इशू के कारण वहाँ पर पेंडिंग हो गया, जो कि उन्होंने मतलब क्लियर आपको दिखाया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ट्रस्टेड है, एंड मैं हिस्टोरी के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर क्लेम ये देखो मैं रेफरल अमाउंट 5522 यहाँ पर करके कुछ करके मिलता है, और इसके अंदर रिडीम पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कूपन से रिडीम किए थे अमेजोन के, पहले इसके अंदर अमेजोन का था बट यहाँ पर अभी अमेजोन का नहीं है, अमेजोन का यहाँ से रिमूव कर दिया, और हो सकता है भाई फ्यूचर्स में आ जाए। ठीक है, तो पहले इसके अंदर 20 रुपीज़ का रिडीम था बट अभी यहाँ पर ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लोग यहाँ पर ज़्यादा रुपये का हो चुका है। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे ही आपका दोस्त आपके लिंक से इंस्टॉल करेगा आपको 5 रुपीज़ मिल जाएंगे, डाउनलोड करने वाले को 1 रुपीज़। ठीक है, गोल्ड छोड़ दो, अगर आपका दोस्त 7 डेज इस एप्लीकेशन को डेली चेकिंग करता है तो आपको 2 रुपीज़ मिल जाएंगे, अगर वो 30 डे मतलब 90 दिन का, अगर वो 30 डेज मतलब 90 दिन के अंदर ही अगर वो 30 डेज यहाँ पर 38 को बात कर लेता तो आपको 4 रुपीज़ मिल जाएंगे, अगर वो फर्स्ट 30 रुपये का अगर गूगल प्ले स्टोर का रिडीम कोड बाई करता है तो उसको 2 रुपये अलग से मिलेंगे, एंड अगर आप यहाँ पर जैसे रिडीम कोड अगर बाई करते हैं गूगल प्ले स्टोर का, ठीक है, 30 रुपीज़ का, तो आपको 2 रुपये अलग से मिलेंगे। ठीक है, और जो भी करवाएगा मतलब जो करेगा उसको 2 और जो करवाएगा उसको 3। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है अगर वो 80 रुपये का रिडीम कोड बाई करता है तो दोनों लोगों को 5-5 रुपये करके यहाँ पर मिलने वाले।
तो ये कुछ इस प्रकार ये एप्लीकेशन वर्क करता है, ठीक है। और बाकी इसके अंदर गेम खेलो, यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट करके कुछ ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर लाइव में देखो, रजिस्टर करो, टूर्नामेंट भी चल रहे हैं। और मोर गेम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर लक्की नंबर भी सिलेक्ट कर लेना, जिसमें लक्की नंबर में आपको कुछ ना कुछ मिलता है। और जीतने वाले को रैंक के हिसाब से अगर एक नंबर पर आते तो आपको 150 रुपये का रिडीम कोड गूगल प्ले स्टोर का, अगर 2 से 3 पे आते हैं 100 रुपीज़ का, 4 से 5 पे आते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का, और 6 से 20 पे आते हैं तो आपको 30 रुपीज़ का, और यहाँ पर मतलब 21 से लेकर 50 रुपीज़ तक आते हैं तो आपको 20 रुपीज़ का रिडीम कोड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भाई 50 कोइंस जो मैंने अभी कोइंस बताए थे ना, वो कोइंस यहाँ पर इसीलिए काम आते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये कह रहा है सिलेक्ट टीम, तो चलो मैं यहाँ पर 8 सिलेक्ट कर देता हूँ और बाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि भाई वो कोइंस वैसे भी किसी काम के नहीं, अगर ये टीम विन हो जाती है तो रैंक के हिसाब से मुझे मेरा अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही अमेजिंग है, और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप स्पिन करते हैं तो जो अगर आपका जो पेटीएम कैश निकल गया तो पेटीएम कैश मिल जाएगा, जेम सिम निकल गया या फिर जो भी बोनस कोइंस मिल गया, जो भी मिलेगा ना वो आपका विड्रॉ हो जाएगा। लॉगिंग में सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप 7 डेज लॉगिंग करते हैं तो ये कह रहा है कि अगर, अरे भाई ये क्या बोल रहा है कि ऐड वाच करो 50 तक मिलेगा, तो चलो ऐड वाच करते हैं, 50 जेम तक हम यहाँ पर लेते हैं। तो गाइस फाइनली ऐड को मैं स्किप कर चुका हूँ, मैं लाइव में इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ यहाँ पर। हाँ गाइस, तो सच में यार, अबे ये तो सही है भाई, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये भी सिस्टम है, अगर आप 7 डेज चेकिंग करते हैं तो आपको 50 डायमंड्स तो मिलते ही है, बट यहाँ पर कह रहा है अगर आप मंथली कर, ये कह रहा है ना कि अगर आप 1 मंथ तक यहाँ पर अगर डेली चेकिंग करते हैं तो आपको 300 डायमंड्स मिलेंगे, जो कि मैं यहाँ पर मेरा 2 डेज रह गया, मतलब मैं 28 डेज कर भी चुका हूँ सब कुछ लाइव करने के लिए, ठीक है। तो 344 दिखा रहा है, और अभी कितना मेरा पहले था मुझे कन्फर्म नहीं है भाई, पहले कम था या फिर ज़्यादा था, मैंने तो देखो ध्यान दिया नहीं है, बट ये कह रहा है कि आपको मिला है कौन, ठीक है। तो हाँ 394 हो चुके, मतलब गाइस ये है, और आपको 50 डायमंड्स मिल रहे हैं अभी, ये वाले जो 50 जो जेम्स हैं वो मिल रहे हैं अभी। जेम्स किस काम आते हैं, तो अगर रिवार्ड्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर कह रहा है अगर 500 ये जेम्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जैसे 7 डेज चेकिंग करेंगे तो 50-50 करके मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको लाइव में दिखाया 50 इंस्टेंट मिल गया। एंड अगर आपके पास 500 हो जाते तो आप लोग यहां पर 35 रुपये यानी कि 35 रुपये का रिडीम कोड ले पाएंगे गूगल प्ले स्टोर का। अगर आपके पास 900 जेम्स हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको 60 रुपीज़ का रिडीम कोड मिल जाएगा। और अगर आपके पास 1700 पॉइंट्स हो जाते हैं तो आपको 130 रुपीज़ का गूगल प्ले स्टोर का यानी कि 130 रुपये का गूगल प्ले स्टोर का जो रिडीम कोड है वो मिल जाएगा। बट इसके अंदर आप इन जेम्स से इनको भी बाई कर सकते हैं, जैसे कि अमेजन शॉपिंग हो गया, अगर 1900 पॉइंट्स हैं तो आप 365 दिन के लिए यहाँ पर वैलिड रहेगा, 120 रुपये का शॉपिंग कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और मिंत्रा के अंदर विड्रॉ करो, व्यू वॉल्स के ऊपर क्लिक कर लो, अबे हो जा, तो आपको व्यू वॉल्स में ये दो मिलते थे, ये दोनों साइड जो दिखा रहा है ये 3 चीज़ें आप लोगों को यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास 400 तो हो चुका है, 2-3 दिन बाद 400 और हो जाएगा, मतलब 300 मिल जाएगा, फिर मैं रिडीम कर लूँगा। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आएगी। और हाँ, गूगल प्ले स्टोर का जो बैलेंस है वो 100% ट्रस्टेड मैं बता रहा हूँ कि आपका जो वर्किंग हो जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सच में गाइस हो जाएगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो यहाँ से फाल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जाके चेकआउट कर लो, काफ़ी अमेजिंग एप्लीकेशन है जो भी कुछ, ठीक है। और यहाँ पर 96 घंटे के अंदर भाई हमारा जो कूपन कोड है वो रिवील हो जाएगा, और आप यहाँ पर भाई सपोर्ट टीम से इनकी बात भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है पेमेंट है वो सक्सेसफुल देखो हो चुकी है, ये कह रहा है कि पेमेंट है वो आपकी तरफ से सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन रिडीम कोड आपको 96 घंटे के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपका अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ना भाई, वो जल्दी ट्रांसफर नहीं हो रहा, मतलब इन्होंने जो भी कुछ सॉल्व करना था वो तो कर ही दिया। यहाँ पर कह रहा है पेमेंट आपके जब सक्सेसफुल है 96 घंटे के अंदर आपका जो अमेजोन का गिफ्ट कार्ड है वो मिल जाएगा। जाके चेकआउट कर लो, वीडियो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और हाँ पहले भी जो वीडियो बनाएंगे जाके चेकआउट कर लो, बहुत बहुत अमेजिंग वीडियो बना रखी। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर देना।